उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में एसएसपी प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी के निर्देशन पर पुलिस अधीक्षक नगर दिनेश कुमार सिंह द्वारा थाना धूमनगंज क्षेत्र अंतर्गत हुई पुलिस मुठभेड़ के संबंध में जानकारी दी गई। आज धूमनगंज थाना क्षेत्र के चौकी प्रभारी नीवा रात्रि में गश्त में थे, भ्रमणशील थे। उसी समय एक मोटरसाइकिल से व्यक्ति आया, जिसको इन्होंने रोक करके चेकिंग करना चाहा तो उसने इनके ऊपर फायरिंग कर दिया। इनके द्वारा दी गई सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी मय फोर्स के नीवा के आसपास के क्षेत्र की घेराबंदी किए। वो पलट करके नीवा गांव के मैदान में जब पहुंचा, वहां पुलिस पार्टी सामने देखा तो उसने फिर फायर किया और एक बम निकाल के फेंकने का प्रयास किया। इसी पर पुलिस पार्टी के क्रॉस फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है, जिसको उसको ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है चिकित्सालय, जहाँ उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। आरंभिक जानकारी मालूम चला है कि उसका नाम सलमान है, जो प्रीतम नगर का रहने वाला है और वो दो बमबाजी घटनाओं में वांछित है। आगे वैधानिक कार्रवाई की जाए।